हेलो दोस्तों, आज मैं लेके आया हूँ आपके लिए एक और टॉय कलेक्शन की वीडियो गाइस। और आज हम अनबॉक्स करेंगे बेंटन की गन और एवेंजर की जंबो ज्योमेट्री बॉक्स और स्पाइडरमैन का स्टेशनरी सेट और सॉफ्ट एयर गन गाइस अनबॉक्स करेंगे और है कुछ छोटी छोटी चीजें गाइस। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो कर देना वीडियो को लाइक दोस्तों, और चैनल को कर देना सब्सक्राइब। और सब्सक्राइब कर रखा है तो थैंक यू सो मच वीवी फैमिली की तरफ से दोस्तों। चलो फटाफट आपको दिखा दूं आज टॉय कलेक्शन में क्या क्या है मेरे पास और कौन कौन सी चीजें है गाइस। तो चलो बिना स्किप करे पूरी वीडियो एंड तक देखना, जब भी आपको पता चलेगा और मजा भी आएगा वीडियो देखने में गाइस। सबसे पहली चीज है हमारे पास यूनिकॉर्न का ये सूटकेस गाइस, काफी अमेजिंग और काफी छोटा सा सूटकेस है, काफी प्यारा सा था। मैं जब मार्केट गया था ये देखा सूटकेस, काफी अलग और डिफरेंट टाइप का है, तो मैंने इस टॉय कलेक्शन में ऐड कर लिया है। तो इस पे पूरा रैप है पन्नी से, तो चलो पन्नी फाड़ते हैं और देखते हैं सूटकेस के अंदर हमें क्या क्या और कैसी कैसी चीजें देखने को मिलती है गाइस। ये यूनिकॉर्न का है सूटकेस, काफी अमेजिंग व्हील देखने को मिल जाते हैं और यहाँ हमें मिल जाता है एक काफी प्यारा सा एक हैंडल जिससे हम इस यूनिकॉर्न सूटकेस को कैरी कर सकते हैं गाइस, काफी अमेजिंग है गाइस। चलो इसे ओपन करते हैं और देखते हैं इसके अंदर क्या क्या है गाइस। तो इसके अंदर ये वाला कंपार्टमेंट है, इस कंपार्टमेंट में मिल जाता है दोस्तों हमें एक इरेजर दोस्तों, काफी सुंदर और काफी प्यारा सा इरेजर मिल जाता है, काफी गजब और काफी सुंदर सा गाइस। और इसे रख देते हैं इरेजर को, इसको अगली चीज ओपन करते हैं। तो इसे ओपन कर रहे तो इसके अंदर मिलता है हमें एक बहुत ही शानदार और बहुत ही प्यारा सा एक शॉर्पनर गाइस इस सूटकेस के अंदर गाइस। ये आप देख सकते हो इस तरह से ओपन होता है ये सूटकेस, और इस एक साइड हमें इरेजर रखने की जगह मिल जाती है और एक जगह ऑटोमेटिक एडजस्ट है हमारा शॉर्पनर गाइस। इस सूटकेस में हमें दोनों चीज मिल जाती है, काफी प्यारी है। और इस सूटकेस को मैंने परचेज किया है केवल 20 रुपीज का गाइस। तो कैसा लगा ये गिफ्ट और कैसा लगा ये टॉय, तो प्लीज दोस्तों मुझे कमेंट करके जरूर बताना गाइस। सेकंड चीज दिखाता हूँ, सेकंड चीज है गाइस का हमारे पास काफी अमेजिंग और काफी सुंदर सी ये सिलाई मशीन गाइस। देखो कितनी सुंदर सी सिलाई मशीन है, कितनी प्यारी सी सिलाई मशीन है, और देखो ये वर्क कैसे करती है, काफी अमेजिंग है। बैक साइड तो नीचे लगती है इसके सेल बैटरी, मैंने जो बैटरी लगा दिया गाइस, देखो कितनी सुंदर और कितनी प्यारी लग रही है। बस इसे चलाएंगे कैसे, तो यहाँ पे केवल एक बटन है, इस बटन को दबाते देखो सिलाई मशीन चल जाएगी गाइस। देखो चलो बटन दबाते हैं और सिलाई मशीन देखो दोस्तों कैसे चल जाएगी दोस्तों। ये देखो, अरे वाह, ये देखो, ओहो, ये भी मुझे काफी खतरनाक और काफी अच्छा लगा था, इसलिए आज की वीडियो में मैंने ये ऐड कर दिया था सिलाई मशीन दोस्तों। तो कैसी लगी ये सिलाई मशीन दोस्तों, हमें कमेंट करके जरूर बताना दोस्तों। चलो इसे रखते हैं और देखो ये ऑटोमेटिक, ये देखो बटन दबाते ऑटोमेटिक ये सिलने लगेगी गाइस। ये देखो कितनी जबरदस्त चल रही है ना सिलाई मशीन। चलो रखते हैं, अब मैं दिखाता हूँ अपनी फेवरेट बेंटन की गन। और आप सभी को भी बेंटन देखना बड़ा पसंद होगा, आपको सबसे अच्छा कार्टून कौन सा लगता है प्लीज मुझे कमेंट करके जरूर बताना। और लड़कियों को तो गन चलाना पसंद नहीं होता, लड़कों को तो बहुत ज्यादा पसंद है। और कौन कौन ऐसी लड़कियां हैं जिसे गन चलाना पसंद है, तो कमेंट में अपना नाम लिखो और ब्रैकेट में लिखो मुझे गन चलाना पसंद है गाइस। तो गर्ल्स केवल कमेंट करेंगी और देखते हैं किस किस गर्ल्स को काफी अच्छा लगता है गन चलाना। तो चलो इसे ओपन करते हैं इस बेंटन की गन को, और आप देख सकते हो ये सारी चीजें हैं बैक साइड में। और इसके प्राइस की बात कर लें दोस्तों, इसे परचेज किया मैंने 200 रुपीज के ऑफलाइन मार्केट से दोस्तों इस बेंटन गन को। तो निकालते हैं बॉक्स से और दिखाता हूँ ये बेंटन गन कैसी है दोस्तों। कुछ इस तरह का इंटरफेस है गाइस देखने में हमारी गन, और काफी अमेजिंग है, काफी प्यारा है, क्वालिटी भी काफी अच्छी है गाइस। ये है लोड, इस तरह से हम पुल करेंगे और फिर ये लोड हो जाएगा, और यहाँ हम अपनी एमओ को लोड करेंगे फिर फायर करेंगे गाइस। ये टिगर है, टिगर देखो दोस्तों कितना अमेजिंग है। तो फायर करते हैं दोस्तों, देखो सिंपल सी है। और हमें मिलते हैं इसमें कितने डार्ट मिलते हैं गाइस, हमें मिलते हैं इसमें टोटल 1 2 3 4 5 6 बुलेट्स मिलती हैं गाइस। इन बुलेट्स को हम क्या करेंगे, सारी बुलेट्स निकाल लेंगे गाइस, और गन में हम एडजस्ट कर सकते हैं सारी की सारी। वो कैसे दोस्तों, देखो यहाँ हमें 4 बुलेट रखने के लिए मिल जाती है जगह गाइस इस गन के अंदर। ये देखो 4 बुलेट तो हम रख सकते हैं इस तरह से अपने गन में, देखो इस तरह से लगा लेंगे रख लेंगे, बिल्कुल अच्छे से एडजस्ट हो जाएगी हमारी गन। देखो इस तरह से हम एडजस्ट कर लेंगे और एक हम बुलेट को इसके अंदर डाल देंगे और फिर लोड करेंगे और फिर फायर करेंगे। और देखना दोस्तों कितनी अमेजिंग, कितनी सुपर चलती है ये गन, देखना देखो देखो ये चिपक गई। अरे वाह दोस्तों, देखो कितनी पावर है इस वाली गन के अंदर, काफी अमेजिंग है गाइस। ये बेंटन की गन कैसी लगी दोस्तों प्लीज मुझे कमेंट करके जरूर बताना दोस्तों। तो चलो इसे रखते हैं, नेक्स्ट चीज दिखाता हूँ। नेक्स्ट चीज है हमारे पास एवेंजर की जंबो ज्योमेट्री बॉक्स गाइस।
काफी अमेजिंग है और काफी प्यारी है। और आपका सबसे फेवरेट एवेंजर कौन सा है? मेरा तो है हल्क गाइस। और आपका सबसे फेवरेट एवेंजर कौन सा है? कैप्टन अमेरिका या फिर आयरन मैन है या फिर स्पाइडरमैन या फिर हल्क गाइस या फिर थैनोस गाइस? प्लीज दोस्तों मुझे कमेंट करके बताना। चलो मैं आपको दिखाऊं ज्योमेट्री बॉक्स कैसी है। काफी बड़ी ज्योमेट्री बॉक्स है, इसे मैंने परचेज करी है केवल 200 रुपीज के ऑफलाइन मार्केट से। फ्रंट में हमें एवेंजर की फोटोज दिख जाती है जिसमें कैप्टन अमेरिका और आयरन मैन दिख जाते हैं और हल्क देखने को मिल जाता है दोस्तों। चलो पहले गेट को ओपन करते हैं, देखते हैं इसके अंदर क्या है। तो पहले गेट को ओपन करना कुछ इस तरह से इंटरफेस देखने को मिलता है गाइस। और यहाँ मिलता है हमें 1 2 3 4 5 पेंसिल लॉक स्टैंड मिल जाता है गाइस। हमें इस जगह पेंसिल लगा के लॉक करके रख देंगे गाइस। और हमें मिलता है इस जगह 3 पेन स्टैंड गाइस। और हमें मिलता है बहुत ही प्यारा सा एक बटन इसमें, और ये है हिडन एक कंपार्टमेंट। इस बटन को दबाते ही हिडन कंपार्टमेंट ओपन हो जाता है दोस्तों। और इस जगह हम अपना कुछ भी महंगी चीज रख सकते हैं, जैसे कॉइन रख सकते हैं, पैसे रख सकते हैं, मनी रख सकते हैं दोस्तों इस हिडन कंपार्टमेंट के अंदर। और यहाँ पे भी हमें एक बटन मिलता है दोस्तों। इस बटन को दबाते ही गाइस कुछ इस तरह का इंटरफेस निकलता है गाइस नीचे से और अंदर से दोस्तों। इस जगह भी हम अपना स्टडी मटेरियल रख सकते हैं, जैसे स्केच पेन, महंगी महंगी पेंसिल या हमारे पास महंगे महंगे पेन होते हैं, हम इस जगह रख सकते हैं गाइस। चलो इसे रख बंद कर देते हैं। और हमें मिलते हैं फ्रंट में 4 बटन गाइस। एक बटन को दबाते ही कुछ ये देखो, एक बटन को दबाते ही यहाँ निकलता है बहुत ही प्यारा बहुत ही सुंदर सा एक शॉर्पनर दोस्तों। एक और कंपार्टमेंट को ओपन करते हैं तो इस बटन को दबाते ही हमें निकलता है एक और बहुत ही प्यारा कंपार्टमेंट गाइस। तीसरे बटन को दबाते ही गाइस इस तरह इंटरफेस निकलता है अंदर से कंपार्टमेंट। एक और चौथे बटन को दबाते हैं तो ये वाला कंपार्टमेंट निकलता है। दोनों सेम कंपार्टमेंट सेम स्पेस है गाइस, देख सकते हो कुछ इस तरह से इंटरफेस दिखता है गाइस फ्रंट से गाइस सारे बटन को दबाने के बाद गाइस। ये देखो इस तरह से दिखती है ये जंबो ज्योमेट्री बॉक्स। इसे बंद कर देते हैं दोस्तों। अब दिखाता हूं गाइस बैक साइड से कैसी है गाइस। बैक साइड में हमें नेम और क्लास देखने को मिल जाती है और मिल जाते हैं गाइस एक गेट गाइस। इस गेट को ओपन करते ही गाइस कुछ इस तरह का इंटरफेस देखने को मिलता है। यहां हमें 2 कंपार्टमेंट मिल जाते हैं, एक छोटा कंपार्टमेंट एक काफी बड़ा कंपार्टमेंट मिल जाता है गाइस इस जंबो ज्योमेट्री बॉक्स के अंदर। तो कैसी लगी दोस्तों ये जंबो ज्योमेट्री बॉक्स, प्लीज मुझे कमेंट करके जरूर बताना दोस्तों। अब मैं दिखाता हूं गाइस स्पाइडरमैन का ये स्टेशनरी सेट गाइस। काफी अमेजिंग है, काफी प्यारा है गाइस। स्पाइडरमैन थीम के ऊपर है ये स्टेशनरी सेट गाइस। चलो मैं अंदर से दिखाता हूं इसमें क्या क्या है, कैसी क्वालिटी की चीजें हैं गाइस इसके अंदर। तो टेप लगी है तो टेप को थोड़ा फाड़ लेते हैं दोस्तों अच्छे से और फिर देखते हैं। अरे फट जा भाई मेरे, हाँ टेप फट गई गाइस। अब निकालते हैं गाइस सारी स्टेशनरी आइटम गाइस और बॉक्स को फेंक देते हैं हम साइड में गाइस। और इसके अंदर हमें क्या क्या चीजें देखने को मिलती है, इसके अंदर 1 2 3 4 5 6 7 8 चीजें मिलती हैं गाइस इसके अंदर। और क्या क्या इसके अंदर हमें मिलता है, एक बहुत ही प्यारा बहुत ही सुंदर बहुत ही अमेजिंग सा एक ज्योमेट्री बॉक्स गाइस। काफी सुंदर और काफी प्यारी सी ज्योमेट्री बॉक्स मिल जाती है दोस्तों, देख सकते हो। और स्पेस भी काफी अच्छा मेटल किया गाइस, ये देखो दोस्तों मेटल किया। ढक्कन ओपन करते हैं कुछ इस तरह इंटरफेस दिखता है, स्पेस भी काफी अमेजिंग है इस पेंसिल बॉक्स के अंदर गाइस। और हमें मिलता है एक बहुत ही सुंदर बहुत ही छोटी बहुत ही प्यारी सी गाइस एक डायरी गाइस इसके अंदर। स्पाइडरमैन की डायरी है गाइस, फ्रंट और बैक में स्पाइडरमैन की फोटोज छपी हैं और अंदर कुछ हमें मिल जाते हैं पेजेस गाइस। इसे डायरी भी बोलते हैं, ड्राइंग भी बोल सकते हैं गाइस। ड्राइंग मिल जाती है गाइस काफी अमेजिंग। और इसके अंदर मिलते हैं हमें 4 अलग अलग कलर के स्केच पेन। इसके अंदर ग्रीन स्केच पेन, लाइट ग्रीन स्केच पेन निकल जाता है और ब्लू स्केच पेन और स्काई ब्लू स्केच पेन मिल जाता है दोस्तों। चलो एक बार चलाते हैं और देखते हैं स्केच पेन कैसा चलता है। और इस स्केच पेन पे स्पाइडरमैन की फोटो छपी हुई है गाइस। तो चलो इसे चलाते हैं और चलाने में भी काफी अमेजिंग है गाइस। ये देखो कितनी अच्छी क्वालिटी का स्केच पेन है, काफी सुंदर गाइस। और हमें मिलता है एक बहुत ही प्यारा और बहुत ही सुंदर सा एक 15 सेंटीमीटर का स्केल गाइस इसके अंदर गाइस। देखो दोस्तों 15 सेंटीमीटर का और इस पे डिजाइन देखो दोस्तों कितना अमेजिंग है, जो हमारे ज्योमेट्री बॉक्स के ऊपर भी डिजाइन बना हुआ है दोस्तों, देख सकते हो तो सेम डिजाइन बना हुआ है। अब मैं दिखाता हूँ गाइस पेंसिल गाइस। इसमें मिलते हैं हमें 2 पेंसिल बहुत ही सुंदर और दोनों पेंसिल के ऊपर स्पाइडरमैन की फोटोज छपी हुई है गाइस। प्रिंट है काफी अमेजिंग और काफी सुंदर पेंसिल है गाइस, क्वालिटी भी काफी सुपर है। अब जब हम पेंसिल साफ कर लेते हैं फिर जब हम पेंसिल रखते हैं तो नोक टूट जाती है, तो नोक हमारी ना टूटे पेंसिल की। तो हमें मिलते हैं गाइस इसके अंदर 2 2 1 पेंसिल कैप गाइस। ये देखो 2 2 पेंसिल कैप मिल जाते हैं, देखो दोस्तों इसके अंदर। ये देखो निकाल लिया हमने इसके अंदर से और फिर जब हम पेंसिल साफ कर लेंगे और जब हम पेंसिल को यूज नहीं करेंगे फिर इस कैप को लगा लेंगे दोस्तों। ये देखो पेंसिल कैप देखने को मिल जाती है गाइस हमें। और हमें मिलता है एक बहुत ही प्यारा बहुत ही सुंदर सा एक शॉर्पनर दोस्तों। इसके अंदर हमें स्पाइडरमैन का बहुत ही लाजवाब बहुत ही प्यारा सा
स्पाइडरमैन का शॉर्पनर और हमें मिलता है एक बहुत ही सुंदर सा स्पाइडरमैन का इरेजर गाइस। ये देखो दोस्तों हमें इरेजर मिल जाते हैं दोस्तों। तो ये कैसी लगी स्टेशनरी सेट दोस्तों हमें कमेंट करके जरूर बताना दोस्तों। चलो नेक्स्ट पेंसिल बॉक्स दिखाता हूँ। तो ये है काफी अमेजिंग काफी सुंदर सी पेंसिल बॉक्स, देखने में बिल्कुल सिंपल थी और यहाँ 3D लुक में स्पाइडरमैन की फोटो छपी है और हमें मिल जाते हैं गाइस दो शॉर्पनर इसके अंदर। एक बटन को दबाते गाइस दो शॉर्पनर देखने को मिलता है, ढक्कन ओपन हो जाता है। बिना ढक्कन ओपन करे हुए हम अपनी पेंसिल शार्प नहीं कर सकते दोस्तों। और इसके अंदर एक छोटा शॉर्पनर मिल जाता है, एक काफी बड़ा शॉर्पनर मिल जाता है। छोटा शॉर्पनर हम कलर स्केच को यानी कलर पेंसिल को शार्प करेंगे और बड़े शॉर्पनर में हम पेंसिल को शार्प करेंगे। फिर ओपन करते हैं तो ओपन करते ही हमें यहाँ मिलता है एक हिडन कैलकुलेटर गाइस। और देख सकते हो दोस्तों हिडन कैलकुलेटर है, किसी को पता भी नहीं चलेगा इस ज्योमेट्री बॉक्स के अंदर कैलकुलेटर भी है गाइस। और हमें मिलता है गाइस इसके अंदर 1, 2, 3, 4, 5 मिलता है पेंसिल स्टैंड या पेंसिल लॉक मिल जाता है गाइस और स्पेस भी अच्छा मिल जाता है गाइस हमारे इस पेंसिल बॉक्स के अंदर। बैक साइड की बात कर ले, बैक साइड में स्पाइडरमैन की फोटोज छपी हुई है और इसके अंदर गाइस हमें मिलता है गाइस काफी अच्छा सा स्पेस और इसके अंदर टेबल लिखी हुई है दोस्तों इस पेंसिल बॉक्स के अंदर, काफी अमेजिंग है। चलो इसे रखते हैं, अब नेक्स्ट पेंसिल बॉक्स दिखाता हूं। नेक्स्ट पेंसिल बॉक्स है गाइस ये वाली स्पाइडरमैन की, देख सकते हो काफी अमेजिंग काफी प्यारे, बस इसमें दो शॉर्पनर मिल रहा है और कुछ भी नहीं है गाइस। बस इसमें हमें 3 कमांड मिल जाती है, 1, 2, 3 कमांड मिल जाते हैं। बैक साइड की बात कर ले तो बैक साइड में भी दोस्तों हमें कुछ इस तरह का इंटरफेस देखने को मिलता है दोस्तों। चलो इसे रखते हैं, अब मैं दिखाता हूं अपनी सबसे फेवरेट और एक चीज है, ये है गाइस एयर गन गाइस, काफी सुंदर काफी प्यारी है और एयर गन को मैंने परचेज किया केवल 180 रुपीज की। चलो इसे मैं निकालता हूं बॉक्स से और फिर दिखाता हूं आपको ये एयर गन कैसे चलती है दोस्तों। तो इस तरह निकाल लेंगे एयर गन को और फिर मैं दिखाता हूं एयर गन ये चलेगी कैसे। एयर गन को निकाल लिया गया और इसके अंदर मिलते हैं दोस्तों हमें कितने स्कोप, दो एक स्कोप मिलता है और कुछ मिलते हैं बुलेट्स गाइस इसके अंदर। देखो ये देखो कितनी अमेजिंग कितनी सुंदर सी गन मिलती है दोस्तों और ये है गाइस इसके अंदर काफी अमेजिंग सा एक स्कोप और स्कोप को हम इस तरह से लगा लेंगे दोस्तों। ये देखो स्कोप लगा लेंगे और ये गन हो गई तैयार और ये देखो चलेगी कैसे। तो इस तरह से हम लोड करेंगे ये देखो लोड और फिर फायर करेंगे दोस्तों। ये देखो कितने अमेजिंग, चल एक बार चलाते हैं तो इसे हम कर देंगे इसके अंदर लोड और बुलेट्स देख सकते हो दोस्तों कितनी अच्छी और कितनी अच्छी अमेजिंग क्वालिटी की बुलेट मिल जाती है दोस्तों। इसे करेंगे इस तरह लोड और फिर करेंगे लोडिंग इसकी गन की और फिर इसे अंदर कर देंगे और फिर फायर करके देखते हैं दोस्तों कैसी चलती है। देखो कितनी अमेजिंग कितनी खतरनाक चल रही है ये एयर सॉफ्ट गन। तो कैसी लगी एयर सॉफ्ट गन दोस्तों प्लीज मुझे कमेंट करके जरूर बता रहे दोस्तों। तो इसका प्राइस मैंने आपको बताई दिया और हमें इसके अंदर कितने बुलेट्स मिल जाते हैं, 1, 2, 3, 4, 5 बुलेट्स मिल जाते हैं गाइस इस एयर गन के अंदर गाइस। चलो इसे रखते हैं, अब दिखाता हूँ नेक्स्ट पेंसिल बॉक्स गाइस। तो नेक्स्ट देखो दोस्तों कितनी अमेजिंग कितनी सुंदर सी पेंसिल बॉक्स है और इसके ऊपर हमें मिल जाते हैं कुछ अच्छी अच्छी चीजें गाइस और इस चीज से हम अपने ड्रॉइंग बुक पे ड्रॉ भी कर सकते हैं। जैसे हमें इसके अंदर मिल जाते हैं स्माइली के कुछ पिक्चर्स मिल जाती हैं और कुछ अल्फाबेट्स मिल जाते हैं, काउंटिंग मिल जाती है गाइस और कुछ इसमें सिंबल्स मिल जाते हैं और इसमें सबसे अच्छी बात है 20 सेंटीमीटर का स्केल भी मिल जाता है दोस्तों। ये देखो 20 सेंटीमीटर का स्केल मिल जाता है इसके अंदर, ये देखो स्केल है और इस साइड हमें मिल जाता है 8mm का स्केल गाइस, देख सकते हो कितना अमेजिंग है। या ढक्कन गाइस तो काफी सुंदर ये ज्योमेट्री बॉक्स है, अंदर से कुछ इस तरह से दिखती है ये ज्योमेट्री बॉक्स। इसके अंदर 2 कंपार्टमेंट मिलता है, एक छोटा सा कंपार्टमेंट मिलता है जिसमें हम कुछ भी अपना स्टडी मटेरियल रख सकते हैं दोस्तों। ये लॉक है, पेंसिल लॉक मिल जाती है दोस्तों इसके अंदर, काफी सुंदर काफी प्यारी सी। अब दिखाता हूँ लास्ट पेंसिल बॉक्स, ये है गाइस काफी अमेजिंग काफी सुंदर सी पेंसिल बॉक्स और ये है स्पाइडरमैन की पेंसिल बुक सेल्फ पेंसिल बॉक्स गाइस, काफी सुंदर सी है। चलो इसे ओपन करके दिखाता हूँ क्या है इसके अंदर। तो कुछ इस तरह का इंटरफेस दिखता है अंदर को, यहाँ मिलता है हमें व्हाइट बोर्ड। जब भी हम व्हाइट बोर्ड का यूज करेंगे यानी रफ वर्क करना या हमें होमवर्क करना तो इस जगह हम अपना मार्कर से, और मार्कर भी मिलता है, मार्कर नीचे पड़ा हुआ तो कोई बात नहीं गाइस, तो मार्कर से हम इस जगह अपने क्वेश्चन लिख लेंगे फिर मिटा भी सकते हैं गाइस। और काफी अच्छा स्पेस देखने को मिल जाता है गाइस इसके अंदर और स्टडी मटेरियल भी हम रख सकते हैं। और बात करते हैं इसका नाम बुक सेल्फ क्यों है ज्योमेट्री बॉक्स का दोस्तों, मैं बता दूं तो बुक सेल्फ इसीलिए जब हम थक जाते हैं पढ़ते पढ़ते, तो ये देखो हम पढ़ते पढ़ते थक गए, हमारे हाथ थक गए, तो इस जगह हम बुक रख लेंगे और फिर अच्छे तरह से पढ़ सकते हैं गाइस। अब हमें होमवर्क करना है, होमवर्क करना है तो क्या करेंगे दोस्तों, हमें देखो मैं आपको दिखाता हूँ ये होमवर्क करना है। तो ये दोनों हमें मिले हैं गाइस, ये देखो लॉक, इस लॉक से ऐसे कर देंगे और फिर इस जगह बुक रख के हम स्टडी कर सकते हैं दोस्तों इस बुक सेल्फ से।
देख सकते हैं दोस्तों कितनी अमेजिंग, कितनी सुंदर ज्योमेट्री बॉक्स मिल जाती है दोस्तों ये, और इसका प्राइस है केवल 130 रुपीज का, मैंने ऑफलाइन मार्केट से परचेज किया था दोस्तों। तो ये सारा था आज का टॉय कलेक्शन। तो आज सबसे अच्छी चीज आपको क्या लगी दोस्तों, प्लीज मुझे कमेंट करके जरूर बताना। आपको यूनिकॉर्न का ये सूट किस कैसा लगा दोस्तों, ये सिलाई मशीन कैसी लगी, या फिर हमारे स्टेशनरी आइटम सबसे अच्छी चीज क्या लगी दोस्तों, प्लीज मुझे कमेंट करके जरूर बताना। और आई नो दोस्तों 99% लोगों ने मेरी पूरी वीडियो एंड तक नहीं देखी होगी, बट 1% लोगों ने मेरी पूरी वीडियो एंड तक देखी होगी, तो उन लोगों को थैंक यू सो मच, आप लोगों ने मेरी पूरी वीडियो एंड तक देखी दोस्तों। मैं आप सभी को थैंक यू सो मच अगेन बोलना चाहता हूं, और मुझे वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, और अच्छे अच्छे कमेंट करो, और मैं सबके कमेंट के रिप्लाई जरूर देता हूं दोस्तों। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, वीडियो अच्छे से टॉय कलेक्शन या कलेक्शन के साथ। जब तक बाय बाय दोस्तों।